अपने विवादित बयानों के लिए फेम्स डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भारत पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की रेस में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे हैं। भारत पर पहली बार टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के बाद ट्रंप ने पहली बार भारत के बारे में अपनी सोच की झलक पेश की है। गौरतलब है कि ट्रंप अपने भाषणों में चीन, मैक्सिको और जापान जैसे कई देशों की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल को सितंबर 2007 में दिए इंटरव्यू का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा, लेकिन वो चीन की शुरुआत थी, वो भारत की शुरुआत थी। मैंने आपको जो कुछ भी बताया था सब ठीक निकला, भले ही वो इराक के बारे में कही गई बात हो, ईरान की बात हो, चीन की बात हो, भारत की बात हो या बात जापान की हो। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर तंज करते हुए ट्रंप ने कहा, इस देश की ओर देखिए, हम एक ऐसी बड़ी शक्ति थे जिसका सम्मान पूरा विश्व करता था, लेकिन अब हम कुछ हद तक हास्य का पात्र बन गए हैं। उन्होंने कहा, लोग अचानक चीन, भारत और अन्य स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर भले ही वो आर्थिक दृष्टिकोण की ही बात क्यों ना हो। अमेरिका काफी नीचे आ गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका काफी नीचे आ गया है, जो बहुत दुख की बात है। गौरतलब है कि ट्रंप इससे पहले अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में थे। उन्होंने अमेरिका में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन की मांग की थी, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।